हेलो एवरीवन, नीट 2024 के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। जब इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू फिल द नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 इन डिटेल। फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें टाइप करना है आपको exams.nta.ac.in/neet। जो फर्स्ट साइट है उसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। वहां पर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको मिलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये सारी जो डिटेल्स हैं इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, सो आप यहाँ पर टिक करें। लाइक आधार कार्ड डालना चाहते हैं आप, उसका नंबर डालें। पैन कार्ड है, पैन कार्ड का नंबर डालें। नंबर डालने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, यहाँ पर आप क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। इसके बाद आपका आता है पर्सनल डिटेल्स। सो आपको जो पर्सनल डिटेल्स है आप उसे फिल करते जाएं, जो जो यहाँ पर दे रखा है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। वहां पर नीचे आपको देना है उसका नंबर, जो आपने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट डाला था वही नंबर डालेंगे उसका। नीचे आता है प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन, वहां पर आप जो प्रेजेंट एड्रेस आपका वो फिल कर देंगे। लोकेलिटी फिल करेंगे जहां पर आप रहते हैं, सो लाइक हम यहाँ दिल्ली फिल कर देते हैं। कंट्री करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे स्टेट सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है वो यहाँ डाल देंगे। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करेंगे और अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। इतना करने के बाद जो प्रेजेंट एड्रेस है वो खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं परमानेंट पे, और अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। उसके बाद आता है पासवर्ड चुनने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप कोई भी एक पासवर्ड चुन लेंगे जो आपको याद रहे, उसको आप कॉपी में लिख लेना एक जगह पे। सिक्योरिटी क्वेश्चन चुनेंगे और सिक्योरिटी आंसर चुनेंगे, उसके बाद ये कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो डिटेल्स आपने भरी थी उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। आपको दोबारा से सब कुछ कंफर्म कर लेना है, नीचे आपको रिकन्फर्म करना है और टिक करते जाना है कि माय नेम इज करेक्ट, जेंडर इज करेक्ट, जो सारी डिटेल्स है सब टिक करते जाना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेंड क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट। ईमेल पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे। योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, ऐसा ऑप्शन आएगा, ओके कर देना है आपको। एप्लीकेशन नंबर आया है आपकी मेल आईडी पे, उसको यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड रखा है उस पासवर्ड को एंटर करके कैप्चा फिल करके आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद जो फर्दर डिटेल्स है वो फिल करना स्टार्ट करना है। इस तरह का टैब ओपन होगा, उसके बाद नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये आपने जो डिटेल्स भरी थी वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर। आप इसको एक दोबारा से रिकन्फर्म कर लेंगे, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, उन सबको दोबारा से रिकन्फर्म करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो सेव हो गए सक्सेसफुली। सारी डिटेल्स दोबारा से कन्फर्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आप अपनी क्वालिफिकेशन। आप 12th अपीयरिंग है या 12th पास है, उसको आयु, डायबिटिक वगैरह जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे फिल कर देंगे। पेरेंट्स की फैमिली इनकम, सारे जो डिटेल्स हैं जो जो इसे मांगी है वो फिल करते रहेंगे जैसे जैसे एप्लीकेबल हो। आप ड्रेस कौन सी पहनना चाहते हैं, सारी चीजें से पूछेगा। आप फिल करके कैप्चा फिल करके नीचे ऑप्शन देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट का, उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जो पर्सनल डिटेल्स हैं फिल हो गई हैं। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो उस केस में यस या नो करेंगे। आईग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिल करके नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, वहां से आप आगे बढ़ जाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। उसके बाद जो एग्जाम डिटेल्स है वो भरेंगे, तो इसमें आपको जो सेंटर है वो चुनने हैं। सो आपको जो नियरेस्ट सेंटर हो आप उसको फिल करते जाएंगे और अपने ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंगली भरते जाएंगे। फादर और मदर की ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन लेवल, ये सब फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम डिटेल्स हो गई सक्सेसफुली फिल्ड। उसके बाद आते हैं एजुकेशन डिटेल्स पे। सो आपने 10th कहाँ से पास किया, 11th कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से पास किया है, उसकी डिटेल्स, रोल नंबर, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, ये सारी डिटेल्स इसे फिल करनी है। वन बाई वन करके आप इसमें इसको फिल करते जाएंगे। बोर्ड कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेंगे, स्कूल नेम एंड एड्रेस, जहां पर स्कूल है उसका पिन कोड। 10th क्लास में अगर आपका परसेंट है तो परसेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर सीजीपीए मिला है आपको तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे, कितने में से मिला है और कितने आपके आए हैं
और कितना परसेंट बनेगा वो आप यहाँ फिल कर देंगे। 11th क्लास कहाँ से पास किया है वो सारी डिटेल्स जैसे 10th क्लास की भरी थी सेम डिटेल्स जो है वो 11th क्लास में भी भरनी है। आपने 11th कहाँ से पास किया है, रोल नंबर क्या था, स्कूल कहाँ था, स्कूल का एड्रेस, नेम, पिन कोड सब भर देंगे। इसके बाद आप जो 12th की डिटेल्स है वो भरेंगे सेम जैसे 10th और 11th की भरी है सेम 12th की डिटेल्स भी भरेंगे। अगर आप अपीयरिंग पे है तो अपीयरिंग पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने पास कर लिया है तो पास पे सेलेक्ट करेंगे। जो अपना कोड है कोड 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कोड है एप्लीकेबल वो फिल करेंगे और फिल करके आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपकी पीसीबी और इंग्लिश इसमें कितने कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं वो सारी डिटेल्स इसे फिल कर देनी है। कैप्चा फिल करना है, आई एग्री पे टिक करके और 7 नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आपको जो एडिशनल डिटेल्स मांगी है वो फिल करनी है। या पहली बार नीट में अपियर हो रहे हैं या पहले अपियर हो चुके हैं, अगर आप इसमें ऑप्शन डालेंगे कि पहले अपियर हो चुके हैं तो पूछेगा आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं, तो जो भी एप्लीकेबल आप उसको फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे और 7 नेक्स्ट पे आगे क्लिक कर देंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपको अपलोड करता है अपना फोटो सिग्नेचर पोस्टकार्ड साइज फोटो और जो लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब का जो इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। जो साइज है वो उसके दे रखी है आपको यहाँ पर कितने कितने केबी के बीच में होने चाहिए। जो फोटो है वो 10 से 200 केबी के बीच में होने चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 केबी के बीच में होने चाहिए। जो पोस्टकार्ड साइज की फोटो है वो होनी चाहिए 10 से 200 केबी के बीच में और जो आपके फिंगर इंप्रेशन है वो 4 से 30 केबी के बीच में होने चाहिए। आप सभी चीजों को पहले से रिसाइज करके रख, उसके बाद आप इस पे एक एक करके जो फोटो सिग्नेचर वगैरह है उन सबको अपलोड करते जाएंगे। फोटो अपलोड हो गई, उसके बाद साइन अपलोड करने हैं। साइन चुनेंगे जहां पर भी है, साइन अपलोड हो गए, फिर पोस्टकार्ड साइज फोटो, उसके बाद जो फिंगर इंप्रेशन है वो चुनेंगे। डिटेल सारी हमने इसमें डाल दी है। उसके बाद आप इसमें 7 नेक्स्ट पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया है वो सारी डिटेल्स आप इसमें दोबारा से एक बार चेक कर लें कि सब कुछ सही है नहीं सही है, क्योंकि कुछ डिटेल्स जो है वो बाद में आप करेक्ट नहीं कर सकते। सारी डिटेल्स एक बार चेक करेंगे, फिर जो मोबाइल नंबर है अपना वो वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है और कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी भी क्लिक करना है। फोन पे एक ओटीपी आएगा, उसको यहां पर आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करके और वेरीफाई ओटीपी भी क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। साइट डिटेल्स दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे। लास्ट में नीचे ऑप्शन आएगा राइट साइड पे फाइनल सबमिट, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जो जो डिटेल्स आपने इसमें डाली है वो सारी आपने चेक कर ली है, सब पे टिक करेंगे और फाइनली हम क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट पे। ऐसा ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको जो पेमेंट गेटवे है उस पर कर दिया जाएगा रिडायरेक्ट। यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं उसको चुनेंगे, आप कहाँ से पे करना चाहते हैं सो पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आप बहुत सारी चीजों से पे कर सकते हैं लाइक नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, तो जो भी आपके पास हो उससे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्लिक करते ही आपके सामने जो अमाउंट है वो आ जाएगा कितना रुपए लगने वाले हैं, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स है वो सारी इसमें डालनी है और पे पे क्लिक करना है। इसके साथ ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और फाइनली आपको उसे प्रिंट लेकर रख लेना है। तो यहाँ पर हम पे नहीं करने वाले हैं। सो इस तरह से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिल कर लेना है नीट 2024 के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट सेक्शन इज ओपन।